तो बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। आज 47 जिलों की 106 जनपद पंचायतों में सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं। 23,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं जहां लगातार मतदान जारी है। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़वा, नीमच, नेपानगर, पलेरा, रतलाम, सीतामऊ से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने जनप्रतिनिधि के चुनाव के लिए वोट डाल रहे हैं। तो आज मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण के बाद और भी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। 23,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा, उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो देखिए, बुजुर्ग भी मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और बुजुर्गों में भी उतना ही उत्साह है, दिव्यांगों में भी उतना ही उत्साह है जितना एक आम जनता के किसी मतदाता में हो। बुजुर्ग से बुजुर्ग महिलाएं यहां पर पहुंच रही हैं सहारे के जरिए, लेकिन अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि जनप्रतिनिधि को चुनना है, गांव सरकार को चुनना है। ऐसे में अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मतदाता हर स्थिति में मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। तो देखिए, इन बुजुर्ग अम्मा को आप देखिए, पहले मतदान किया और फिर उंगली पर वो निशान दिखा रही हैं जो अधिकार हमें संविधान देता है। हम अपने जनप्रतिनिधि को खुद चुनते हैं, अपने गांव की सरकार को चुनने के लिए आज ये बुजुर्ग अम्मा मतदान केंद्र पहुंची और मताधिकार का उपयोग किया। ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज संपन्न होने जा रहा है और हम खड़े हैं बमोरी के मतदान केंद्र 64 पर। यहाँ पर लंबी लंबी आप कतारें देख सकते हैं, सुबह से ही यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। काफी उत्साह लोगों में है अपने मतदान करने के लिए और आइए हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं आखिरकार यहाँ क्या माहौल है और वो कैसा जनप्रतिनिधि अपने मत का प्रयोग करके चुनेंगे। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम सीधा बात करते हैं उनसे। भैया क्या नाम है? मेरा महेंद्र धाकर। महेंद्र जी, क्या मन बना के आए आप, कैसा व्यक्ति चुने? जो गांव के लिए काम करे, विकास करे, शिक्षित हो, समझे परेशानियां, उसको सिलेक्ट करेंगे। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? गुरु जी सरवा। मेरा नाम भीम सिंह धाकड़ है। भीम सिंह जी, आप आज कैसा उत्साह है यहाँ पर ग्रामीणों में? ग्रामीणों में अच्छा उत्साह है, अच्छे कैंडिडेट चुनबे के माह में है जो सबको लेकर चले। सबको लेकर चले। जी, मेरा नाम सिमनारायण बैरागी है। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे मतलब शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और हम लोग यही चाहेंगे कि अच्छा युवा चुने जो गांव का विकास कर सके। तो निश्चित तौर पर आपने सुना, यहाँ पे सभी लोगों का एक ही कहना है कि हम ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर चुनाव करने जा रहे हैं जो युवा हो, शिक्षित हो और गांव का विकास करे। इस समय कैमरामैन राम के साथ बंसल न्यूज के लिए मैं चैन सिंह मीणा।